नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। धार जिले की पर्यटन नगरी मांडू में सेल्फी के शौक ने ले ली युवक की जान। काकड़ा की खो की गहरी खाई में गिरा पर्यटक, मौत। ऐतिहासिक पर्यटन नगरी मांडू में एक बार फिर गंभीर हादसा हो गया। इंदौर से आए पर्यटक के सेल्फी के शौक ने उसकी जान ले ली। आपको बता दें कि मृतक दिनेश पिता प्रेम सिंह लोधी निवासी डॉक्टर कॉलोनी खजराना इंदौर अपने 3 साथियों के साथ जो है दर्शन करने के लिए नालछा पहुंचा था। यहां पर मांडू भ्रमण को पहुंचा। इसी बीच सभी साथी घूमने के लिए काकड़ा खो की खाई के किनारे पहुंचे। यहां मृतक दिनेश रेलिंग के बाद खाई किनारे स्थित पेड़ के पास सेल्फी लेने का प्रयास कर रहा था। इसी बीच उसका पैर फिसला, असंतुलित होकर वह खाई में जा गिरा, जिससे दिनेश की मौत हो गई। घटना की जानकारी लगने के बाद ही धामनोद एसडीओपी मोनिका सिंह, नालछा थाना प्रभारी ईश्वर सिंह चौहान, मांडू के राजेंद्र गिरी दल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। युवक का शव गहरी खाई में फंसा हुआ है और यहां पुलिस एसडीआरएफ की टीम को बुलाने के साथ स्थानीय लोगों की मदद से शव निकालने का प्रयास कर रही है। फिलहाल एसडीआरएफ की टीम को बुला रहे हैं और स्थानीय लोगों की मदद से शव को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। देखिए खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। तुम्हारा क्या नाम है? इद्रिस। इद्रिस। तुम्हारा? सेजा। तुम्हारा? शुभम पाल। शुभम पाल। इसके घर वालों से बात हुई? हाँ, वे आ रहे हैं। सबसे पहले हमने दो नंबर फोन लगाया। तुम यार काय के लिए आए थे? हम दरगाह पे आए थे, चेक कर लो बात। सुबह दरगाह पे आए थे हम, नालछा दरगाह पे। उन्होंने कहा चलो मांडो भी देख लेते हैं, साफ सुथरा वहाँ है। बस वो तो मैं गाड़ी खुद चला रहे, बस वही करते बार बोले वो झाड़ के बने। मैं गाड़ी चला रही थी, ये तीनों उतरे वो झाड़ को पकड़ने। एक एक बोलो तो सुन लेंगे, कान तो लग गई। झाड़ को पकड़ने गए तब मैं तुम चेक कर जाऊँगा वाले झाड़ हम ये पकड़ने गए थे। इसमें तो नीचे चले गए, हमने पाइप देख लिया साइड पे। हम वो पहले से जो मंदिर की गेट पे एक वो झाड़ को पकड़ने जाना मतलब नहीं है। चार युवक है और कुछ आगे वहाँ पर रेलिंग क्रॉस करके व्यक्ति उस साइड चला गया और वहीं पैर फिसलने से नीचे खाई में। लास्ट कितने नीचे गहरी खाई में पूरी? ये तो काफ़ी ज़्यादा मतलब डिस्टेंस हम नहीं बता सकते कितना, 2000 फीट समथिंग। तो क्या प्रबंध है मैडम लाश को निकालने के और कब तक ये निकाल बाहर ला सकते? नीचे जाने का एक रास्ता खोजा है यहाँ पर, गांव वाले बता रहे हैं कि रास्ता है। कुछ गांव वालों से हमने बात की है जो कि हैबिचुअल है नीचे उतरने चलने से, तो उन्हीं को लेकर हम प्रयास कर रहे हैं कि बॉडी के ऊपर लाएँ। उसके अलावा एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ पर आ रही है। चार युवक साथ में थे, उनका कहना है कि सेल्फी लेते वक्त कुछ भी होता तो ये माने कि सेल्फी लेते हुए कि और कुछ भी नहीं होता। नहीं, जिस हिसाब से क्योंकि बातचीत से जो बातें आ रही है सामने, अभी तक तो यही ड्राइवर से लग रहा है कि सेल्फी रेलिंग क्रॉस करके व्यक्ति क्योंकि ये लोग पिकनिक मनाने के मूड में ही आए थे, तो बातों से भी तो यही लग